कामरान खान साहब, आने वाले चंद घंटों, चंद लम्हों, मिनटों में आपको अफगानिस्तान की क्या सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है? जी देखिए, ये तो अब सिर्फ रस्मी कार्रवाई बाकी है। तालिबान काबुल में दाखिल भी हो चुके हैं, अब वो फॉर्मली उसको टेक ओवर करें या फॉर्मली ऐलान कर दें उसका बाकायदा, तो ये अब सिर्फ रस्मी कार्रवाई रह गई है। अपेरेंटली वो दुनिया को अब ये दिखाना चाहते हैं कि ये एक पीसफुल ट्रांजिशन हुआ है, अफगानिस्तान के अवाम ने उसको बड़ा वेलकम किया है, इस तब्दीली की इसीलिए कहीं मज़ाहमत नहीं हुई है। दूसरी जानेब वो ये दिखाना चाहते हैं कि खास तौर पे इस वक्त अमरीका का नंबर वन कंसर्न और मगरिब का ये है कि जो उनके लोग वहाँ पे रह गए हैं या जो उनके सहूलतदार वहाँ पे रह गए हैं उसको वो निकालना चाहते हैं, उसके रास्ते में भी तालिबान नहीं आना चाहते और एक बहुत एक गुडविल का जेस्चर देना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये अमन इकतदार की तब्दीली हुई है। इसमें कहीं जंग को आपने देखा नहीं कि कोई बड़ी अमवात हुई हो या कोई बड़ी कैजुअल्टीज हुई हो, और वो जो कैजुअल्टीज और अमवात हुई वो दौर भी गुजर गया जो 20 साल से जारी था। अच्छा खान साहब, आपने 90s में वो मौके देखे कि जिस पे हमारी रियासत ने यानी पाकिस्तान ने तालिबान से पहले यानी 90s में और फिर लेट 90s में तालिबान ने जब कब्जा किया या जब वो आ गए अफगानिस्तान में, तो हमारा रिस्पांस कैसा था? ये बताइए कि हमारा अब का रिस्पांस ज्यादा बेहतर है या पहले वाला रिस्पांस बेहतर था? मेरे ख्याल में अभी हमें ये इसका फैसला देने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और हम देखते हैं कि वहाँ जब इख्तदार की बाकायदा तब्दीली हो जाती है, उसका बाकायदा ऐलान हो जाता है, तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट फिर पाकिस्तान के इम्तहानी मनाजिल हैं जो कि तय होनी है। लेकिन गालिब इम्कान यही है कि पाकिस्तान दुनिया से अलहदा कोई फैसला करना नहीं चाहता और अफगानिस्तान के हवाले से तनहा कोई अपनी हिकमत अमली और दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हिकमत अमली तरतीब देना नहीं चाहता। पाकिस्तान हर सूरत में चाहेगा, वेट करेगा कि दुनिया किस तरीके से नई हुकूमत को ट्रीट करती है और फिर उसको उसकी रिकग्निशन का मरहला जो है वो कैसे शुरू होता है। खान साहब, आपने तो जाहिर है खान साहब आपने जो बात की, जिसका दफा आपको पता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई से 3 ममालिक थे जिन्होंने उसको तस्दीक किया था, फिर आखिर तक फिर वही जीत रहे। आई थिंक वो एक गलती जो कि अब तक जो अब पाकिस्तान नहीं दोहराएगा। खान साहब, आपने जो बात की ये इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि यही सबसे बुनियादी और सबसे ज़रूरी बात होगी अगले कुछ दिनों में, हफ्तों में। आज आपने शायद देखा हो कि ग्लोबल टाइम्स ने ट्विटर के अंदर ने अपनी ट्वीट में एक जगह पे ये कहा हुआ है कि चाइना जो भी अफगानिस्तान में हुकूमत होगी ना उसको मुसल्लत करना चाहता है ना अंडरमाइन करना चाहता है, उसके साथ काम करेगा। तो आने वाले दिनों में आपके ख्याल में कौन से वो ममालिक हैं जिनके तरफ अफगानिस्तान भी शायद देख रहा हो और पाकिस्तान भी देख रहा हो कि रिकग्निशन का प्रोसेस शुरू हो ताकि डिप्लोमेटिक टाइज, ट्रेड, दीगर चीजें रिज्यूम कर सकें? मेरे ख्याल में इसमें आई थिंक इससे पहले ही पाकिस्तान ने एक तरह की जो पॉलिसी कन्वर्जेंस है वो पाकिस्तान और चीन के दरमियान तो बाकायदा मौजूद है और इसमें रूस भी बहुत ही मुतहर्रिक साथी रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान, चीन, रूस इस हवाले से बहुत ही यानी कि एक उनकी यकसा पॉलिसी है और मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि ना रूस ना चीन इस मामले में अमेरिका से अलहदा रहना चाहता है या अमेरिका की जो वसत है या जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है उसको काटना चाहता है। तो मुझे लगता है कि ये जो चार बड़े ममालिक जो कि अभी दोहा में मिले भी थे वहां पे इस हवाले से ये जो मामलात हैं आई थिंक उस पर भी गुफ्तगू हुई है, हुई होगी बल्कि हुई है। और आपने देखा कि जो मुश्तरका इलामिया वहां से जारी हुआ उसमें उन्होंने कहा गया कि हम तस्लीम नहीं करेंगे, फौजी कुव्वत के रास्ते से तस्लीम ये हुकूमत कोई बनती है वहां पे या वो ऐलान करती है उसका ये मतलब नहीं है। देखिए तस्लीम तो कर लिया है क्योंकि मुसलसल 2 सालों से तालिबान से गुफ्तगू कर रही है ये सारी कुव्वतें अमरीका बशमूल और मगरब। तो अब जाहिर है कि जब ये अमल होगा, अमेरिका की सबसे बड़ी और मगरब की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि उनको जो जो वहां पे सिफारतदार हैं या उनके जो हजारों सहूलतदार हैं वो सुकून से निकल जाएं। वो साइगोन वाला जो वियतनाम वाला था कि वो भाग रहे हैं और वो हेलीकॉप्टर्स पे जा रहे हैं और वो मनाजिर आज टेलीविजन की दुनिया, लाइव टीवी की दुनिया है,
अमेरिका उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता उस सूरत हाल को दोहराने का। अच्छा खान साहब ने कह दिया है उसकी बुनियाद सिर्फ यह है कि किसी सूरत से पुरामन उनका इनकला हो जाए लोगों का, फिर उसके उसके एवज फिर वो आई थिंक तालिबान को उसका और उनकी हुकूमत को उसका कंसेशन भी मिलेगा। यानी आज का दिन आप कह रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि कितना पीसफुली ये इनकला होता। खान साहब अफगानिस्तान हमारे पड़ोस है बल्कि यानी वहां पर जो भी हो हमारे यहाँ असर होता है उसका, आपको लगता है हमारे यहाँ वो दाखली इत्तेहाद जो अफगानिस्तान के मामले पर एक मुत्तफिका पॉलिसी हमें चाहिए वो दाखली इत्तेहाद मौजूद है या उस दाखली इत्तेहाद को पैदा करने की कोई कोशिश आपको नजर आ रही है? मैं इसमें एक हुस्न इत्तफाक है या ये कि बेहतर बात है ये कि जाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत बहुत मुनफसिम है और बहुत ज्यादा मुतसादिम है बल्कि, लेकिन बाज मामला में वो तसादिम इतना गहरा नहीं है और वो इतनी कोई उसमें कोई बड़ी शिद्दत नहीं है तमाम बड़ी जमातों की। उसमें एक खास तौर पर खारजा उमूर के हवाले से जो पाकिस्तान की अफगानिस्तान की पॉलिसी है या जो पाकिस्तान की तालिबान के हवाले से मतलब उसमें जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे से मुतसादिम नहीं है और इसी तरह से पाकिस्तान की भारत की पॉलिसी हो गई, पाकिस्तान की चीन की पॉलिसी हो गई, बल्कि पाकिस्तान की अमेरिका की पॉलिसी भी हो गई। अगर आप बारीक बीनी से उसका जायजा लें तो आपको पता चलेगा किसी भी वजह से ये पाकिस्तान की सियासी कुवतें इस मामले में रेटरिक हो सकता है कि वो पब्लिकली कोई बात कुछ कर दे छोटी मोटी या सिर्फ ये कह दें कि हुकूमत की पॉलिसी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा तो आप थोड़ा स्क्रैच करेंगे तो आपको नजर आएगा कि इन पॉलिसीज में खासतौर पर जो की इश्यूज हैं फॉरन पॉलिसी के उसमें कोई हमारा बड़ा सियासी जमातों का इख्तलाफ नहीं है। खान साहब ये भी बताइएगा कि अमरीका अपने सिफारती अमले को यहाँ से मुंतकिल कर लेता है वापस, अपनी अफवाज का जो इनखिला है वो पुरम तरीके से कर लेता है, क्या अमरीका की जानिब से इस खत्ते में अफगानिस्तान में अमन को बरकरार रखने के लिए मुस्तकबिल में क्या कोई कोशिश की जाएगी? अमरीका अफगानिस्तान की तमाम तर सूरत हाल से मुस्तकबिल में भी ला ताल्लुक ही रहेगा? मैं नहीं समझता कि अब अमरीका का उस हद तक इन्फ्लुएंस रह जाएगा अफगानिस्तान में या तालिबान हुकूमत पे जैसा कि उनका हुआ करता था, और ना ही मैं नहीं समझता कि वो कोई मुतमन्नी है कि वो इस इसकी निटी ग्रिटी में जाए और इसकी इसका बारीक बीनी से इसको अपने अपने हवाले से उसको स्ट्रक्चर करे। जाने का मतलब ही यही है क्योंकि अमरीका यहाँ से यू नो कितने 10,000 मील दूर है और उसका फिर इस जगह से इसकी पॉलिसीज पे इतना अमल दखल होना और उस सूरत में जबकि एक जाने अफगानिस्तान का करीबी हमसाया रूस है, दूसरी जानब चीन है, ईरान है, ये तमाम वो ममालिक है जिनसे अमेरिका के कोई बेहतर ताल्लुकात नहीं है, फिर पाकिस्तान है, पाकिस्तान से भी कोई मिसाली ताल्लुक नहीं है, उसके बावजूद अमेरिका वो इन्फ्लुएंस और वो ताकत कहां से लाएगा कि वो तालिबान और की हुकूमत को बिल्कुल डिक्टेट करे? ये मैं जरूर मानता हूं कि तालिबान की हुकूमत को सर्वाइवल के लिए और दुनिया में अपनी पोजिशन के लिए अमरीका की मगरब की बड़ी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अमेरिका का वो शायद इंटरेस्ट इस हद तक ना हो कि वो तालिबान की पॉलिसी में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करे। आई थिंक वो तो कमजोरी देखेंगे कि कहाँ कहाँ कमजोरी होती है और कहाँ कहाँ इसमें मसाइल हैं और ये फिर एक जियो पॉलिटिक्स है कि वो देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है, लेकिन जाहिर है कि अमरीका के इनकला ने ये बात साबित कर दी है कि उसकी दिलचस्पी अब यहाँ के रोजमर्रा के मामला में नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट दुनिया मीडिया ग्रुप कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे।